has brought us all nearer to all our elder leaders, and that is the reason why we, the people who want to save our nation from Thank you, sir. Now I would like to call upon Shiva Singh, sir, President, Madhya Pradesh, to read the resolution 3. महापुरुषों को नमन करते हुए साथियों, जय भारत, जय संविधान। आज बड़े खुशी की बात है कि हम जो पीड़ा कई माह से झेल रहे थे और जिस तरह से हम लोग धर्मनिरपेक्षता के लाइन से चल करके और लगातार आज तक हम लोग सांप्रदायिक ताकतों से, कारपोरेट कंपनियों से हम लोग लड़ते आए हैं, वहां पर हमारे ही दल के प्रमुख लोगों ने गड़बड़ किया, तब से हम लोग लगातार कष्ट और पीड़ा को झेल रहे थे। आज बड़ा शुभ दिन है कि आज हम इस कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु में, जहां से हमारे जनता दल सेक्युलर परिवार का संचालन होता था, पूरे देश का सेंटर था, और यहीं से हम सब लोग मिलकर के सेक्युलरिज्म के रास्ते पर जाकर के हम लोग देश में अलख जगाने का काम करते थे, हमारी पार्टी काम करती थी। उस पर जो विराम लगा, हमारे जो दल के मुखिया थे उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों से हाथ मिलाने का काम किया, वो हमको नागवार गुजरा, और हम लोगों ने आज सी के नानू साहब की अगुवाई में हम लोगों ने एक अहम फैसला लिया और आज उनको यहाँ पर जनता दल सेक्युलर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। मैं मध्य प्रदेश जनता दल सेक्युलर परिवार से उनको बधाई देता हूँ। हमारे यहाँ पर मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री सीएम इब्राहिम साहब, जिनके अथक प्रयास से आज हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं और पूरे देश में अपनी विचारधारा को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित। अभी हमारी चर्चा हो रही थी, आज के कार्यक्रम का जो एजेंडा नंबर 3 है हमको दिया गया है, मैं उस पर अपनी बात रखूंगा और मैं गुजारिश करूंगा सीएम इब्राहिम साहब से कि जिस तरह से हम लोगों ने आज फैसला लिया है, इस कठिन घड़ी में फैसला लिया है, सीएम इब्राहिम साहब से हम गुजारिश करेंगे कि आज भी देश के अंदर हमारे ही साथी, हमारा परिवार बहुत लंबा था इस देश के अंदर, आज वो अलग अलग राज्यों पर सीमित है और वहां पर उनकी अच्छी भूमिका है, अच्छा दबाव है, अच्छा जनमत है उनके साथ। आज भी वो दल काम कर रहे हैं, हमारा जनता दल परिवार भी कई राज्यों पर काम कर रहा है, लेकिन यहां जिस दल ने हमारे साथ हरकत किया है, हमारे विचारधारा की हत्या किया है, उनको हम बख्शेंगे नहीं। हम यहाँ से संकल्प लेकर के जाते हैं कि इब्राहिम साहब, हमारे सभी जनता परिवार के जो साथी हैं, जो प्रमुख लीडर हैं, जो समाजवादी विचारधारा के हमारे साथी हैं, उनसे बात करेंगे
और हम सब लोग मिलकर के देश में सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने का काम करेंगे, ऐसा मनोबल बढ़ाने का वो काम करेंगे, यही हम जो है उनसे गुजारिश करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। साथियों, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। अध्यक्ष बदलाइसी निर्णय नेशनल कौनसी देवेगौड़ जी बदला के सीके नामों को नेशनल प्रेसिडेंट बनाना ये मेरा अधिकार आदेश नहीं है, बल्कि नेशनल काउंसिल मेंबर और स्टेट के प्रेसिडेंट को पूछूं। और दूसरी चीज, मुझे अधिकार दिया गया है कि देश के तमाम जनता दल के नेता के से मिले लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी, अखिलेश यादव जी, इन तमाम नेताओं से मिलकर 970 का साथ मिल रहे जनता पार्टी की, उस जनता पार्टी को दोबारा इस देश में जेपी बाबू के सिद्धांत करवाया। मैं 16 तारीख को नीतीश कुमार जी को मिलने जा रहा हूं, लालू जी से भी हमारी मुलाकात होगी। देश में आज सिर्फ दो बीमार है, एक इंडिया दूसरा इंडिया। तो हमने विचार किया कि हम इंडिया का साथ देंगे, जयपुर में सीपीएम की हुकूमत है। थोड़ा बैठ जाओ।